किसानों के विरोध आवाज़ बुलंद करके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुरे फस गए ने। हुण उह जिथे भी जाते हैं उन्हों का जम के विरोध किया जा रहा है। ताज़ा मामला सामने आया है करनाल का, जिथे ऐतवार को हरियाणा में किसान हिंसक हो गए तो गुस्से में भाजपा सरकार वालों करवाई जा रही महापंचायत के पंडाल उपर कब्जा कर लिया। किसानों ने पलों में ही पंडाल को तबाह कर दिया। किसानों सामने पुलिस की कोई पेश न चली। बीजेपी वर्करा ने भी किसानों का विरोध करने की कोशिश की, पर किसानों के गुस्से सामने कोई भी खड़ा ना हो सकिया। इन्ना ही नहीं, पुलिस ने किसानों नूं रोकण लई हल्का लाठीचार्ज भी किया ते पानी दीआं बुछाड़ां भी मारियां। वड्डी गिनती च इकट्ठे होए किसानों ने करनैल दे पिंड कैमला च बने हैलीपैड नूं भी तहस नहस कर दिता। दस दईए कि इस रैली नूं हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधन करना सी, परंतु उसका विरोध करन लई हजारां दी गिनती विच किसान इकट्ठे होए अते किसानों ने जम के हंगामा किया अते सरकार नूं कड़ी चेतावनी दिंदे होए आर पार दी लड़ाई करन दी धमकी भी दित्ती। कानून जो है बहुत लंबे, उसके बाद जब चौधरी चरण सिंह थे, उससे पहले जो भी और नेता थे, चाहे फिर महेंद्र सिंह टिकैत थे, सबकी डिमांड यही थी ये होना चाहिए। उसके बाद 19 साल के प्रयास के बाद ये कानून आज अपनी शक्ल में आए। 19 साल है चलते, 2001 में शुरू हुआ था इनके ऊपर मंथन, 2001 में शुरू हुआ। उसके बाद सेंट्रल कमेटियां बनी, उन्होंने फाइनल कराया, सेंटर के बाद स्टेट के पास आए, स्टेटों ने पास करे और उसमें सारी कमेटियां बनी, यहाँ तक के हुड्डा साहब भी इस कमेटी में रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये होना चाहिए। तो सारे सुधार इन सब लोगों ने कहे थे होने चाहिए, तब ये सुधार हुए। पर उस सुधार होने के बावजूद भी अगर इन्हें लगा कि कोई दिक्कत है तो अपने तर्क दो, कोई तर्क तो है नहीं, लेकिन एक ही बात है कि बर्बाद कर दें किसान ने, लोगों ने पकाने का काम कर। और जब हम बात जो पकाने कर रहे, जब हम लोगों ने समझाने की बात करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो उस टाइम फिर ये आपने अभी रास्ते मिलेंगे, देखियो वहाँ काले झंडे लियो खड़े और खड़े। मैं तो अभी सोच रहा था कि भाई है तो अपने ही भाई ने भी, तो मैं कहा झंडे झुंडो कपड़ा ने कम पड़ रहा हम दे देंगे थोड़ा बहुत। सोचा रही क्या मेरे ख्याल एक ही जना रह रहा, बेचारा भी नहीं है इस्तीफे, तो अब जी भी लगता वहाँ अकेला आदमी है तो वो ज्यादा सुटेबल रहेगा मेरे ख्याल। अकेले यमुनानगर में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में आज जो खट्टर का प्रोग्राम है कैमला में, उसको बिल्कुल किसी भी सूरत में होने दिया गया। इसी तरह आज अगर पुलिस ना आया होती, और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रशासन ने हमारे लिए जेंट्स जो हम सारे लोग हैं, एक भी लेडीज हमारे बीच नहीं है, लेडीज पुलिस को आगे कर रखा है हमें रोकने के लिए कि कहीं ना कहीं कोई घटना घटे और इनको बदनाम किया जाए। हम चाहते थे कि जो हमारी जेंट्स पुलिस है वो आगे आए, वो रोके, इन्होंने महिला पुलिस को आगे कर रखा था, वो महिला पुलिस हमारे आगे लगाई हुई है, जिसके कारण हमें बहुत अपना एहतियात बरतनी पड़ रही थी, और यहाँ काले झंडे दिखाकर बहुत विरोध किया। बीजेपी के जो आज कुछ मेरे को तो लगता 20-30 कार ही थी, उन्होंने झंडे अंदर रख लिए थे, कोई मूल बैठ के जा रहा था, कोई यहाँ से ज्यादा आदमी यहाँ जाने का काम नहीं कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको कोई भी जाने नहीं दिया जाएगा, लाड़े भी उनको रोकने का। देश दुनिया दी ताजा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ।
ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।